तो फ्रेंड ये देखिए हमारा ये वाला है युगबला पट्टी है ये, और ये है फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट को हम इसी तरह दो पार्ट में कट करेंगे। ठीक है, ये टू पीसेस है, ये देखिए एक इधर और एक इसी तरह ओवरलैप होगा फ्रेंड। ये देखिए इसी तरह ये ओवरलैप होगा। और ये है हमारा पीछे वाला जो पार्ट ये है, और ये है हमारा योग वाला पट्टी है। ठीक है, और ये हम तैयार करके उसके बाद में आप लोगों को कलर दिखाऊंगा, कलर दिखाऊंगा और उसके बाद स्लीव दिखाऊंगा। तो चलिए मशीन में इसे स्टिच करके आप दिखा रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमें करना है क्या, जो योग पार्ट है तो योग पार्ट मैंने टू पीसेस ले लिया है। ये देखिए ये एक पीस और ये एक पीस मैंने इस जगह में ले लिया है। तो देखिए किस तरीके से करनी है इसे, इस तरीके से हम दोनों तरफ इसे हम ले लेंगे। इसी तरह हम तीनों पार्ट को जुड़ेंगे। और देखिए फ्रेंड साइड में कितना गैपिंग रख के मैं स्टिच कर रहा हूँ। ये देखिए साइड में बहुत गैपिंग रखा है मैंने, और वो हाफ इंच से थोड़ा सा कम भी है इस जगह में। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये कितना अच्छा, और ये देखिए नीचे भी ये पाका की तरह ये दिख रहा है इस तरह। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद हमें इस जगह में इसे सिलाई कर देनी है ताकि लगे ये एक पार्ट है, दो पार्ट नहीं है इसे। और इस योक में आप लोग अलग अलग डिजाइन भी आप लोग कर सकते हो। ये देखिए मैंने इस तरह योग तैयार किया है, मगर इसका दूसरी एक तरीका है। आप इसी तरह लॉक इस तरफ दे दीजिए, और उससे पहले लॉक लगाने से पहले ये कपड़ा को हटा लेंगे और उसके बाद फोल्ड करके ये सिलाई कर देंगे। वो भी तरीका होता है ताकि ये जो मैंने सिलाई किया है डायरेक्टली इस तरफ नहीं दिखेगा। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हमारा जो करना है देखिए बहुत ईजी है, शॉर्ट करना बहुत ही ईजी है। और ये देखिए ये हमारा एक तरफ का पार्ट है और दूसरी तरफ पार्ट है, तो साइड जो अब जुड़ूंगा मैं। और फ्रेंड ये देखिए ये सभी जगह जुड़ने से पहले मैंने शॉर्ट का एक टेक्निक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा सीधा है और ये सीधा है, दोनों सीधा करके हम इसी तरह ही इस जगह में लेनी है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह कर सकते हो, और नहीं तो मैंने जो तरीका अभी कर रहा हूँ वो तरीका से ऐसे, और उसके बाद ऐसे। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए आप नीचे की तरफ दो स्टिच आप लोगों को दिखेगा और ऊपर की तरफ एक दिखेगा, और साथ ही साथ देखेंगे ये किसी भी तरफ काचे आप लोगों को नहीं दिख रहा है। बस यही टेक्निक हमेशा यूज़ होता है, कभी कभी हम सीधे की ओर जुड़ते हैं, कभी कभी दो पलट के हम तो पलट वाला जो पट्टी होता है वो जुड़ते हैं। तो ये टेक्निक आप लोगों को हर शॉट में यूज़ करनी है। तो वही टेक्निक से मैंने सबसे पहले आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, और सबसे पहले मैं करूँगा ये योग और जो फ्रंट का जो पार्ट है वो हम पार्ट जुड़ेंगे, उसके बाद हम ये साइड में हम जुड़ेंगे।
फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमें जो कपड़ा है उसे इसी तरह उल्टा करना है, इसी तरह ऐसे, और ये वाला जो हिस्सा है इसे ऐसे करके इसे हम उल्टा कर लेंगे। और ये जो युग में लगा रहा है फ्रेंड, इसे लगाने का और भी तरीका होता है, अगर कभी मौका मिले हम दिखा देंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, ये लगाने के बाद मैं बता दूंगा आप लोगों को। और ये देखिए, इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने दोनों पार्ट उल्टा करके इसी तरह सिलाई कर रहा हूँ। ठीक है फिर, ये देखिए हमारा ये दो पार्ट इसी तरह लगाना हो गया है, ये देखिए ठीक है। और ये देखिए ऊपर की से हमें इसी तरह मूव कर रहा है, और ये हमारा जो स्लीव आर्म होल है, और ये देखिए इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट ही जाएगा। और एक तरीका होता है फिर योक लगाने का, तो देखिए योक में तो हम डबल पुट्टी दे रहा है, तो आप चाहते हैं सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है फ्रंट वाला पार्ट, जैसे मैंने इसे करके फ्रेंड उल्टा दिया है, पलट दिया है, तो उसी तरह फ्रेंड इस पार्ट को भी आप इसी तरह पलट के भी आप लोग कर सकते हो। और दोनों पार्ट, जैसे कि ब्लेजर वगैरह हम लोग सिलाई करते हैं, वो हमारा कॉलर की ओर से ये पार्ट निकालना पड़ता है, तब देखेंगे आप लोग ये एक ही स्टिच में हो जाएगा, वो एक लॉक देने से हो जाएगा, वो एक तरीका है। तो चलिए, मैं ब्लेजर तो आप लोगों को कुछ दिन बाद ही दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले ये करनी है, इसके बाद हमें जो कुछ करनी है, जो साइड जुड़ना है, तो साइड भी उसी तरह ही जुड़ना है हमें, फिर से हमें इसी तरह उल्टा करनी है इसे। ये देखिए एक दिखा रहा हूँ मैं, और साइड में अभी नहीं करूँगा, स्लीव लगाने के बाद स्लीव और साइड एक साथ करूँगा। तो फ्रेंड स्लीव अब मैं दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड स्लीव। तो स्लीव कट करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड, हमारा स्लीव का लेंथ है 24 है। तो देखिए 24 किस तरीके से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से ऊपर मैंने लाइन दे दिया है, और ऊपर मैं सीम्स छोड़ रहा हूँ। और ये देखिए इस जगह में हमारा 24 इस जगह में होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है, हमारा केसिंग के लिए हम 2.5 इंच हम इसमें लेस करेंगे, यानी कि 1, 2 एंड हाफ, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद हम इस जगह में फिर से हम 1/2 इंच इस जगह में ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जब केसिंग जुड़ेंगे कम हो जाएगा, इधर बढ़ेगा, वो दोनों मिलाकर वो एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। इसी तरह कर लिया है। और उसके बाद देखिए इस जगह में जिस तरीके से हम लोग, आप लोगों को फॉर्मूला तो पता है, इसमें हमारा जो चेस्ट होता है उसको 1/4 करना होता है, तो 9 हो रहा है हमारा। उसके बाद माइनस मैंने इस जगह में 2 इंच हम कर देंगे, माइनस 2 इंच नहीं, सॉरी हम 1.5 इंच कर देंगे इस जगह में। फॉर्मूला में 1/4 तक बाद माइनस 1 से लेकर अब 2 इंच आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे 1/8 ऑफ चेस्ट, तो 8 भागा करने से फ्रेंड 4 होता है, 4 से थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तक होता है, और ये जैसा ही होता है, और ये पॉइंट इसी तरह होता है। और उससे पहले ये फिक्स्ड हम अभी नहीं करेंगे, हम देखेंगे हमारा जो आर्म होल है उससे रिलेटेड ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो इस पॉइंट को हमें और भी थोड़ा सा माइनस करनी है, इतना करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम इतना सा कर देंगे ऐसे। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड, इसमें जो 1/2 इंच हम सीम्स इसमें रखेंगे, वो हम 1/2 इंच के बदले में हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसे ऐसे। और ये ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम स्लीव लगाएंगे उस वक्त लगाने के बाद हम थोड़ा सा मशीन में शॉर्टिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर बड़ा हो जाए तो, ठीक है।
ठीक है, तो इसी तरह करनी है। और उसके बाद ये पॉइंट हमारा मिल गया है, और इस जगह में हमारा आता है फिर जो हमारा काप इस जगह में होगा, और काप के ऊपर वाला जो हिस्सा है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने बोल रहा था फ्रेंड इस जगह के बारे में, ठीक है। और इस जगह में एक प्लीट और दो प्लीट इस जगह में हमेशा दिया होता है इस जगह में, और ये घूम के इस तरह आता है, वो मैं बाद में दिखा रहा हूँ। और इस जगह में हम क्या करेंगे, हाफ हाफ राउंड, यानी कि हमारा जो स्लीव राउंड वो 9 है, तो ये देखिए 4.5 आ रहा है। और उसके बाद हमारा 4.5, और उसके बाद हम इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। और प्लीट के लिए इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, यानी कि हम 6 इंच इस जगह में कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने क्या किया, हाफ हाफ राउंड किया है, स्लिप राउंड किया है, और उसके बाद सीम्स के लिए कुछ मार्जिन लिया है, और प्लीट के लिए इस जगह में मार्जिन लिया है। तो पूरा मिलाकर मैंने 6 इसमें कर डाला है। और उसके बाद यहाँ से मैंने इसी तरह थोड़ा सा शेप देकर हम इसे ऐसे कर देंगे। आप चाहे इस जगह में थोड़ा सा शेप दे देंगे तो फिटिंग अच्छा आएगा इस जगह में, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा लूजिंग आएगा। और ये कट करने के बाद हमारा कप कट करना है, तो हम एक ही साथ एक ही जगह में हम कप कर लेंगे। और ये देखिए हमें 2.5 इंच करनी है, और तो उसके लिए हमें ऊपर 1/2 इंच, और ये हमारा 2.5 इंच, और नीचे की ओर थोड़ा सा हम रखेंगे इतना, ठीक है फ्रेंड, ऐसे। और उसके बाद इसे हम करेंगे जो 4.5 होगा, और हम अपना स्टिचिंग थोड़ा सा ले लेंगे, जो 1/2 इंच ले लेंगे, इतना सा हम इसे करेंगे इस जगह में, यानी कि इसका फॉर्मूला आया है हाफ अप राउंड प्लस 1/2 इंच, नेचुरली जो होता है हम वो ही इस जगह में हम लेंगे बस। और उसके बाद इस जगह में हम लोग ऐसे शेप देते हैं, कभी कभी घुमा के भी दे देते हैं, वो हम बाद में दिखा देंगे, फिलहाल ये इस तरह है। और उसके बाद हम इसे कट करेंगे, कट करने के बाद देखिए और काम बाकी है थोड़ा सा, शॉर्ट के स्लिप थोड़ा सा अलग है, और मैंने इस जगह में भी फिर 1/2 इंच से थोड़ा सा बड़ा ले लिया है मैंने कटिंग करने के बाद, क्योंकि वो ओवरलैपिंग होगा इसलिए। और देखिए जैसे ही हम लोग इसे ऐसे करेंगे, उसके बाद जो कट करने का जो जगह होता है वो सिर्फ इस जगह तक होता है, उसका भी एक मेज़रमेंट है। तो ये सभी मेज़रमेंट आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल में, आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्लीव में जो कट करते हैं हम लोग, तो किस जगह में कट करते हैं, और ये देखिए हमारा एक स्लीव है, और ये देखिए नीचे का बगल जुड़ा हुआ है पार्ट है, और ये है हमारा नीचे बगल जुड़ा हुआ पार्ट है। और जुड़ा हुआ पार्ट जैसे ही इसे घुमा देंगे ये इस जगह में आएगा, ऐसे घुमा देंगे तो ये जुड़ा हुआ पार्ट जब हम इसे ऐसे घुमा देंगे तो इस जगह में इसका, ये देखिए ये चिरा हुआ जगह इस जगह में रहेगा। ये लगभग 5 इंच हम लोग रखते हैं, और ये मिलाकर 6.5 इंच, यानी कि प्लाकेट देकर फुल प्लाकेट 6.5 होता है, और उसके बाद जो इसी जगह में जो चीरा होता है वो 5 इंच लगभग होता है, और इससे आगे इसी तरह केसिंग होता है, ठीक है। और केसिंग को हम लगा देंगे इसी तरह, इसके ऊपर से हम लगा देंगे, तो चलिए थोड़ा सा दिखा दूँ मैं केसिंग को, इसी तरह ये देखिए ऐसे करके ये घूम के ये इस तरफ आ जाएगा फ्रेंड ऐसे। और ये आप देख रहे हैं फ्रेंड जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है वो इसी तरह प्लीट होगा, दो प्लीट हम इस जगह में दे देंगे इस तरफ, अब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि प्लीट देके हमें इसी तरह करना है, हाफ अप स्लिप राउंड प्लस 1/2 इंच उसके अंदर ही इस जगह में आना है, और 1/2 इंच तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं मशीन में दिखा रहा हूँ ये कट करके किस तरीके से इसको हम तैयार करते हैं स्लिप। और ये देखिए फ्रेंड हमारा स्लीव कटिंग तो हो गया है, और उसके बाद इसी तरह हम कट करेंगे ये वाला जो हिस्सा है इस तक हम इसे कट करेंगे।
ठीक है, और ज़्यादा हम इससे नीचे जाए नहीं जाएंगे, और थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते तो हमें जब प्लाकेट बनाएंगे तो उस वक्त थोड़ा सा आसानी होगा। और ये मैंने इससे किया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे फिर जो और फ्रेंड ये देखिए मैंने अब प्लाकेट दिखाने जा रहा हूँ स्लीप का, तो हमेशा ध्यान में रहे जब ये कट करेंगे इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे की ओर रहेगा, और ये करने के लिए एक टेक्निक भी है। तो देखिए मैंने उल्टा करके थोड़ा सा आप लोगों को इस जगह में दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या है जो पट्टी हम लगा रहा है वो इसके अंदर है, और ये देखिए इसमें कोई काचा पट्टी नहीं दिख रहा है, और इस जगह में ऊपर से ये पाका हुआ है। तो इसी तरह आप लोगों को करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे नीचे से ऊपर की ओर देंगे, और जब भी कपड़े को हम नीचे से इसी तरह फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा कपड़े का अंदर चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर जय आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर में वो इसे इसी तरह ढक देगा, तो बहुत आसान होगा। तो चलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ, और ये पहले से मैंने करके रखा है, और एक स्लीव में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसी तरह हम इसे रखेंगे सबसे पहले, इसे करने के लिए इसी तरह लेनी है, और ये ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो डायरेक्टली, और नहीं तो आप जो सिंगल वाला हिस्सा है इसे ऐसे करके और उसके बाद ऐसे करके भी आप लोग लगा सकते हो। तो मैंने इसे पहले थोड़ा सा सिलाई करके उसके बाद में लगा रहा हूँ इसे इसी तरह, देखिए फ्रेंड इस जगह में आप अगर थोड़ा सा कट कर देंगे ऐसे करके तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा कट कर दीजिए इसे इतना सा करके, और ये वाला जो हिस्सा इसे हम एकदम सीधा रखेंगे, और ये मैंने फ्रेंड बहुत ही छोटा कर रहा हूँ, मगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये फ्रेंड ये देखिए, और इस जगह में जैसे ही हम करेंगे इसे वो ऊपर की ओर हम दे देंगे, इसी तरह हम इसी के ऊपर रख देंगे, तो बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद जो दूसरी वाला जो पट्टी है इसे थोड़ा सा थिकनेस करके लेनी है, थोड़ा सा बड़ा करके, और ये प्लाकेट करने का और भी बहुत अलग अलग तरीका है फ्रेंड। तो इसे भी नीचे की ओर से हम सिलाई करेंगे इसी तरह करेंगे, देखिए और इस जगह में भी इसे थोड़ा सा कट कर दीजिए ताकि सिलाई करने में आसान होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस जगह को किस तरीके से सेटअप करनी है। देखिए फ्रेंड मैंने पहले से इसे ऊंचा करके इस जगह को हमने रख दिया है, और उसके बाद इसे सिर्फ इतना सा इसे
थिकनेस वाला करके इस जगह को आप लगा दीजिए बस, ठीक है फिर। और ये इसका अंदर चले जाएगा और ये इतना सा करके इस जगह पर इसी तरह कर्व होते कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे कर रहा हूँ। उसके बाद इसे इसके ऊपर आप लगा दीजिए और एक कैलकुलेशन कर लेंगे जी कितना ऊपर में रखनी है इसे, और उसके बाद सिंपल सा ऊपर की तरफ। आप चाहे थोड़ा सा बड़ा वाला कपड़ा हो तो टेम्पल की तरह इस जगह में डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इसका कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, इस जगह में नीचे की ओर चले गया है और पक्का हो गया है इस जगह में। और अब हमें क्या करना है देखिए,